वेलकम टू माय चैनल किंग ऑफ स्विंग मशीन। आज मैं उषा एलू डिलक्स में आपको गाज बनाना बताऊंगा। बहुत ही आसानी से आप गाज बना सकते हो, यानी कि बटन होल। तो बटन होल बनाने के लिए क्या करना है आपको, ये जो फैब्रिक है जैसे ये बटन मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ से हमको मार्किंग करनी पहले। यहाँ से यहाँ तक हमको गाज बनाना है। तो यहाँ पे सेटिंग मार्क है एक नंबर। चार स्टेप में बटन होल बनता है। फर्स्ट सीधी सिलाई आएगी, टू पे लॉक होगा, थ्री पे रिवर्स, फोर पे लॉक। चार स्टेप में बटन होल बनता है। समझो यहाँ से यहाँ तक हमको गाज बनाना है। तो एक नंबर सेटिंग मार्क रखोगे, एक नंबर आएगी यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई। टू करोगे तो यहाँ पे होगा लॉक, दो बार फुट कंट्रोल दबा के छोड़ देना है। थ्री नंबर, फिर यहाँ से सिलाई जाएगी रिवर्स। फिर फोर नंबर करना है, यहाँ पे बनेगा लॉक। तो एक नंबर यहाँ पे सीधी सिलाई, टू पे लॉक, थ्री पे जाएगी रिवर्स और फोर पे बनेगी लॉक। तो अब कैसे गाज बनाते हैं वो बताता हूँ। अभी मैंने ये मार्किंग कर ली है। मार्किंग इसके लिए की कि आपको समझ में आना चाहिए। अभी एक नंबर एक जीरो के बीच, एक नंबर के सेटिंग मार्क पे हमने लॉक किया। अभी मशीन हमने स्टार्ट करनी है। मार्किंग तक आ गई, फुट कंट्रोल को छोड़ देना है। नीडल कभी कभी नीचे रहेगी तो ऊपर की पोजीशन लेना है। फिर टू नंबर रखना है, दो ही बार फुट कंट्रोल को दबाना है फर्स्ट, फिर नीडल को मैक्सिमम ऊपर। थ्री नंबर, यहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे सिलाई रिवर्स जाएगी, वहां तक मार्किंग दिखाई दे तो फुट कंट्रोल को छोड़ देना है। ये रिवर्स सिलाई जा रही है, देखो आ गई। फिर फोर नंबर करना है, यहाँ पे दो बार फुट कंट्रोल को दबाना है। ये बन गया आपका बटन होल। नील को मैक्सिमम ऊपर रखिए, इसको निकाल लेना है। ये देखो, एक नंबर सीधी सिलाई, टू पे लॉक हुआ, थ्री पे रिवर्स और ये फोर पे लॉक होगा। अभी दूसरा एक मार्किंग करते हैं हम, इसे बना के दिखाते आपको। यहां से समझो यहां तक मुझे गाज करना है। नीडल को यहाँ पे लॉक कर दीजिए, एक नंबर यहाँ से सीधी सिलाई, मार्किंग तक आ गई। नीडल को मैक्सिमम ऊपर कीजिए, टू नंबर करना है, दो बार फुट कंट्रोल को दबा के छोड़ दीजिए। थ्री नंबर, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे रिवर्स जाएगी। ये फोर नंबर, ये बन गया आपका गाज। नीडल को मैक्सिमम ऊपर कीजिए। और एक प्रकार का गाज बनाता हूँ, जैसे हमने मार्किंग की बटन के हिसाब से, बराबर। यहाँ पे भी रेड कलर में मार्किंग दी गई, जितना फुट को पीछे के साइड लेके जाओगे उतनी साइज का कैपिंग जो दिखाई देगा उतनी साइज का आप गाज बना सकते हो। समझो आपको एकदम छोटा गाज बनाना है। ये मार्किंग नहीं करता हूँ मैं अभी, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर में मार्किंग ऑलरेडी दी गई है। अभी देखो, इतना फुट आगे रखोगे तो इतना साइज का बड़ा गाज बनेगा, इतना पीछे लेके जाओगे तो इतनी साइज का गाज बनेगा। अभी छोटी साइज का गाज बनाना है हमको, तो यहाँ पे मार्किंग दी गई, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो एक नंबर रखना है आपको, एक नंबर पे आएगी सीधी सिलाई, वही सेम प्रोसीजर। नीडल को मैक्सिमम ऊपर कीजिए, टू नंबर लेना है, दो बार फुट कंट्रोल को दबाना है, मैक्सिमम नीडल को ऊपर रखिए। थ्री नंबर लेना है, यहां से रिवर्स जाएगी सिलाई, फिर यहां से फोर नंबर। तो बहुत ही आसानी से आप गाज बना सकते हो इस मशीन में। ये जो टीच ओपनर है, टीच ओपनर ये मशीन के साथ ही आता है। यहाँ से हमको खाली कट लगा देना है। ये देखो, बहुत ही आसानी से आप गाज कर सकते हो। देखो इस प्रकार, ये एकदम छोटी साइज का गाज बनाया हमने। बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।